तो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं हमारे आज के इस नए क्लास में, जिसमें क्लास 11th का वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे। तो बोलेंगे भैया बाइनोमियल थ्योरम तो सुनने में कितना डिफिकल्ट सा अजीब सा नाम लग रहा है, पहली पहली बार सुन रहे हैं तो इजी थोड़ी होगा। बात मानो सिर्फ एक सिंगल फॉर्मूले के ऊपर पूरा चैप्टर बना हुआ है, और वो फॉर्मूला भी थोड़ा लंबा चौड़ा हो सकता है, अलग अलग केस में चीजें अलग होंगी, बट ये रटना नहीं है, छोटा सा पैटर्न है जिसे समझ लिए पूरा चैप्टर खत्म। अब देखिए, अब सोचो भैया बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है, भैया फॉर्मूला कौन सा, सारी चीजें आप सिर्फ मुझे 2 मिनट दो, एक छोटे से फंडे की मदद से पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा 2 मिनट के अंदर। जिस फॉर्मूले में पूरा चैप्टर बेस्ड है वो भी समझा देता हूं। तो मुझे सिर्फ आप इतना बताओ कि मान लेते हैं दो वैल्यू है ए प्लस बी, इसी को हम बाइनोमियल कहते हैं, यानी कि दो टर्म्स अगर प्लस या माइनस साइन से जुड़े हुए हैं, ये हो गया हमारा बाइनोमियल। और अब ये थ्योरम डिस्कस करेंगे जिससे आपका पूरा बाइनोमियल थ्योरम कवर हो जाएगा। तो आधा चैप्टर तो मैंने आपको अभी समझा दिया बाइनोमियल थ्योरम में बाइनोमियल क्या है, वो तो आपको फंडा क्लियर हो गया कि दो टर्म्स प्लस या माइनस साइन से जुड़े हुए बाइनोमियल हो गया। भैया थ्योरम क्या है यहां पर वो बता दीजिए। ठीक है, आप मुझे बताओ कि अगर ए प्लस बी का पावर 0 लिखूं तो क्या होगा। तो भैया किसी का भी पावर 0 मतलब 1 होता है, तो इसका भी होगा, चलिए बढ़िया बात है। भैया ए प्लस बी का पावर 1 क्या होगा, तो भैया किसी का भी पावर 1 क्या, छोटी सी बात कर रहे हो, जो वो खुद है वो खुद ही होगा। अच्छा ठीक है, अब मुझे बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। क्या भैया बच्चों वाली बात कर रहे हो, बचपन में हमने पढ़ रखा है ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलो ये तो बता दिया, अब कितनों को ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पता है, पता है तो बताओ, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ab² प्लस b³। चलो कुछ को तो ये भी पता होगा, ये याद रह गया होगा, लेकिन ए प्लस बी का होल पावर 4 क्या होता है। अब कुछ लोग बोलेंगे भैया इतना सारा थोड़ी रटवाया जाता है, इसी का 2 बार स्क्वायर ले लेंगे तो आ गया हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, एक बार और स्क्वायर ले लेंगे। बट ए प्लस बी का पावर 5 का क्या करोगे भैया, थोड़ा और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताओ ए प्लस बी का पावर 12, ए प्लस बी का पावर 120, इसे कैसे लिखोगे, अब फंस गए ना। तो बस बाइनोमियल थ्योरम यही बोलता है कि अगर दो टर्म्स का ग्रुप है जो प्लस या माइनस साइन से जुड़े हुए हैं, उनका पावर कुछ भी हो, ठीक है कुछ भी हो, इस चैप्टर में पावर हमारा क्या क्या हो सकता है, आपका एक पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है, यानी कि इंटीजर होना चाहिए आपका, डेसिमल में नहीं होना चाहिए और पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए। तो उसके लिए फंडा देखेंगे कि मान लेते पावर कुछ भी दिया हुआ हो और ये दो टर्म्स का कॉम्बिनेशन हो तो उसे हम क्या लिखते हैं। तो आप मुझे एक सिंपल सा बात बताओ, कुछ यहां आपको पैटर्न दिख रहा है, आप बताओ सबसे पहले पावर अगर 0 था तो एक टर्म है, पावर अगर 1 है तो दो टर्म है, पावर अगर 2 है तो 3 टर्म्स है, कुछ फंडा क्लियर हो रहा है, जितने पावर उससे एक ज्यादा टर्म्स। और दूसरी चीज भैया मान लेते इसमें देखो पावर 3 था तो ए का पावर 3 से हम चालू करेंगे, अगला में ए स्क्वायर होगा, फिर ए होगा, फिर ए का पावर 0 जो कि 1 होता है, इसलिए इसमें हमने नहीं लिखा। और फिर उल्टा आपका केस बी के लिए होगा, बी का इधर से हम चालू करेंगे, सबसे पहले बी क्यूब होगा, फिर उसके बाद बी स्क्वायर, फिर बी, फिर आपका यहाँ कुछ नहीं। यानी कि इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या भैया, जैसे इन टर्म्स को, कोएफिशिएंट के बारे में थोड़ी देर में हम आएंगे, पर इसे हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या भैया, पहले टर्म को मान लेते हैं ए का पावर एन माइनस आर और बी का पावर आर, और आर जो होगा आपका चालू होगा 0 से लेके एन तक, ठीक है आर 0 से एन तक चालू होगा। तो फर्स्ट केस में आप मुझे बताओ, इस केस में मेरा आर का वैल्यू 0 है, 0 से चालू होगा ना, ठीक है, और एन की वैल्यू 3 है, तो फर्स्ट केस में मेरे पास क्या है, एन का पावर 3 माइनस 0, बी का पावर 0 इक्वल्स टू ए का पावर 3। सेम आप यहां देखो, यहां पर आपका ए का पावर, इस बार आर का वैल्यू 1 लेते हैं, ठीक है यहाँ 0 से चालू होगा, आर का वैल्यू 0, आर का वैल्यू 1, और एन तो आपका 3 ही रहेगा जो कि एन यहां पर आपका दिया गया है, एन इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो आप यहां बताओ दूसरे टर्म के लिए क्या होगा, आपका एन माइनस आर, एन का वैल्यू 3, आर का वैल्यू 1, फाइनली बचा स्क्वायर, और सिंपल बी की जगह हम क्या लिखेंगे, आर का वैल्यू जो कि हमने 1 लिख रखा है, देखो ए स्क्वायर बी। तो यही पैटर्न आपका सब जगह चलने वाला है, तो इसे हम कुछ ऐसे लिखते हैं ना भैया, आप देखो सीधा चैप्टर में देखो, बार बार लिखूं उससे अच्छा चैप्टर में ऑलरेडी लिख रखा गया है। और कोएफिशिएंट का भी अभी फंडा दिखाता हूं आपको,
देखो यहां क्या लिखा गया है, ए का पावर एन, पहले एन का ए प्लस बी का पावर एन अगर कुछ भी लेते जैसे 3 था तो यहां पर ए का पावर 3 होगा, और दूसरे में एन माइनस वन एक एक कम होता गया है, लास्टली आपका ए का पावर 0 तक गया है। ठीक है, यहां पर ए का पावर 1, ए का पावर 0, और बी देखिए एन से इधर एन माइनस वन, और आते आते बी का पावर 2, बी का पावर 1, बी का पावर 0। अब ये कोएफिशिएंट क्या है, तो कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, आप अभी इस समय समझ सकते हो एन सी आपका आर, एन सी आर। अब जिन्हें सी का मतलब नहीं पता है क्या होता है, तो कॉम्बिनेशन होता है, तो हमारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर आपका अपलोडेड है, आप उसे जाकर चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल एनसीआर का फॉर्मूला बता दो क्या होता है, एनसीआर इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब जिन्हें फैक्टोरियल नहीं पता तो वो भी आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में बता रखा गया है, लेकिन फैक्टोरियल का एक छोटा सा सिंपल सा फंडा रिवाइज करवा देता हूं। जैसे 5 फैक्टोरियल को हम लिखते हैं 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है, 4 फैक्टोरियल क्या होता है भैया, 4 × 3 × 2 × 1, यानी कि जो वैल्यू दिया गया है वहां से कम करते करते आपका 1 तक जाएंगे, और 0 फैक्टोरियल आपका 1 होता है, क्योंकि 1 फैक्टोरियल तो 1 से नीचे और नहीं जा सकते, 1 सीधा। बट 0 फैक्टोरियल के लिए भैया 0 से 1 तक कैसे जाएंगे क्या कम करते हुए, ये तो 0 से 1 जाने के लिए बढ़ना पड़ेगा, बट आप रट सकते हो 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1। इसका फंडा 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, सारा कॉन्सेप्ट मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में एक सिंगल वीडियो 1 घंटे 20 मिनट का, उसे आप चेकआउट कर सकते हो। तो ठीक है भैया हम समझ गए, एनसीआर होता है आपका कोएफिशिएंट, तो पहले के लिए एन तो कॉन्स्टेंट है लेकिन पहले के लिए आर हम 0 से चालू करते हैं, इसलिए एनसी 0, फिर एनसी 1, एनसी 2। इसी को इन्होंने कुछ जनरल टर्म्स में यहां पर जनरलाइज करके लिखा है, एनसी 1, एनसी आर, मतलब पूरे एंड तक लिखा है। इसका अगर मैं बता दूं कहीं इन्होंने अलग से फॉर्मूला लिख रखा हो, एनसीआर के टर्म्स में हम बाद में आएंगे, वो आगे आपके चैप्टर में लिखा गया है, पहले आपको कुछ और एक एग्जांपल दिखा देता हूं। जैसे ए प्लस बी का पावर 7 लिखा गया है, एन इक्वल्स टू 7 है, तो यहां पर एन का वैल्यू 7, ठीक है, यहां पर 7 इसके ऊपर में लिखना था, गलती से नीचे हो गया, हर जगह देखिए ऊपर सी के ऊपर में 7 है, यहां भी इन्होंने गलती से लिख दिया सी के ऊपर में 7 है, ठीक है, और ये एक एक वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसका प्रूफ आपका दिया गया है ऊपर, प्रूफ वगैरह आपके लिए दिए गए हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आप फंडा समझ के चलो कि हमारे पास ये है, क्योंकि जेई लेवल पे हमें तुरंत जाना है और बोर्ड लेवल पे जितना जरूरत है उतना मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो एन का वैल्यू तो फिक्स है लेकिन ये आपका घटते घटते 7 तक आया है, तो इसे अगर इन जनरल मुझे बताना हो ना, तो ये इन जनरल कुछ ऐसा होता है, कोई भी जनरल टर्म टी आर प्लस 1 टर्म, भैया टी आर प्लस 1 क्यों, इसे मैं एक बार बताता हूं, पहले लिख लूं उसके बाद बताता हूं। एन सी आर ए का पावर एन माइनस आर और बी का पावर आर। अब देखो यहां पर इस केस में एन का वैल्यू 7 है, ठीक है, और आर का वैल्यू फर्स्ट प्लेस पे 0 होता है, ठीक है, आर का वैल्यू सेकंड प्लेस पे 1 होता है, तो हमें क्या चाहिए कि मान लेते फर्स्ट टर्म चाहिए, तो इसे आप क्या लिखोगे, फर्स्ट प्लेस पे आर का वैल्यू 0 है तो 0 प्लस 1 टी ऑफ 1, यानी कि फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं, तो इसे हम इस तरीके से लिखते हैं, तो टी ऑफ 1 का वैल्यू क्या है, टी ऑफ 1, 1 को हम किस तरीके से लिख रहे हैं, 1 इक्वल्स टू आर प्लस 1, ठीक है। वही मान लेते हैं हमें थर्ड वैल्यू चाहिए होता तो हमें चाहिए टी ऑफ 3, और टी ऑफ 3 को हम कैसे लिख रहे हैं, टी ऑफ आर प्लस 1, यानी कि आर का वैल्यू यहां पर 3 इक्वल्स टू आर प्लस 1, 1 से 3 गया 2। अब देखो आर का वैल्यू 0, 1, 2, तो बस जो टर्म हमें चाहिए होता है उसे आर प्लस 1 लिखते हैं, मतलब कि अगर थर्ड टर्म चाहिए तो आर का वैल्यू 2 होगा, तभी 2 प्लस 1 3 बनेगा। तो अब देखो मान लेते हैं मुझे इस वैल्यू का ये वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो इसे मैं कैसे लिखूंगा, आर प्लस 1 मुझे टी थर्ड टर्म चाहिए तो आर का वैल्यू 2 है, ठीक है, और एन का वैल्यू मेरा क्या है आपका 7, तो मैं लिखूंगा 7, आर का वैल्यू हमने अभी 2 ले रखा है, और ए का वैल्यू 5 माइनस 2 आपका हो गया 7 माइनस 2 आपका हो गया 5, और बी का वैल्यू 2। देखो ये टर्म बना 7C2, ए का पावर 5, बी का पावर 2, यानी कि इन जनरल टर्म इनका ऐसा दिखता है, किसी भी एक टर्म की बात करोगे टी आर प्लस 1, एनसीआर, ए एन माइनस आर, बी का पावर आर, ठीक है, इतना बड़ा फॉर्मूला अगर याद करने में दिक्कत हो रही हो
तो आप सिंपल सा ऐसे याद रखो ना, बहुत सारे टर्म्स होते हैं, ए का पावर एन से हमारा चालू होता है, ए का पावर एन माइनस वन तक जाता है, बी का पावर इधर एन से चालू होता है, मतलब कुछ कुछ और जाएगा, बी का पावर एन से चालू होता है, और बी का पावर एन आते आते इधर आपका यहां जो वैल्यू, ये आर लिखते हैं, ये पावर बी में जाएगा, और यहां तो आर का वैल्यू जीरो है, माइनस कुछ नहीं लगा हुआ है, तो बी का पावर जीरो, जो कि एक्चुअली बी कट जाता है। ये पैटर्न अभी तक हमने देख लिया था, तो इन जनरल टर्म में से ये दो टर्म तो क्लियर हो गया, बाकी आपका स्टार्टिंग का फंडा यही होता है, बस कोएफिशिएंट होता है आपका एन सी आर, दैट्स इट। ये कोएफिशिएंट का वैल्यू, कोएफिशिएंट का वैल्यू ये, पहले टर्म का वैल्यू ये, और पहले टर्म का वैल्यू ये, और आखिरी टर्म का वैल्यू ये, दैट्स इट। ये तीन चीजें याद हो गई, तो इन जनरल टर्म हमें याद हो गया। अब इसी से आप देखो, बहुत सारे टर्म है ना, तो बहुत सारे टर्म है, तो इसे ऐड करने का तरीका ये होता है, एन के इक्वल्स टू जीरो, और के को हम यहाँ आर लेके चल रहे हैं, तो अभी आप या तो आर के टर्म्स में, या के आर और के यहाँ पे हमारे लिए बराबर है, अभी देखो हमारे पास आर के जगह के लिख रखा गया है, तो इन्होंने यही किया है आपका, सबसे पहले सबका सम किया, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स हैं, हर टर्म को हम प्लस की साइन से जोड़ देते हैं, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एन सी आर ए एन माइनस आर बी आर, कुछ अलग नहीं लिख रहे, यही फॉर्मूला है, बस आर का वैल्यू जीरो से स्टार्ट होगा और आर का वैल्यू आपका एन तक जाएगा, ठीक है, मतलब ये एक इन जनरल टर्म हो गया है, तो मैंने समझा दिया, याद नहीं आ रहा तो ये तीन टर्म्स ब्रेक करके याद कर लो, ये कोएफिशिएंट, ये पहला टर्म, ये आखिरी टर्म, अब बस इसके आगे आप एक समेशन का साइन लगा दो कि आर का वैल्यू जीरो से लेकर आर का वैल्यू एन तक जाएगा, सभी टर्म्स आपके सामने आ गए, बस ये एक फॉर्मूला था जो पैटर्न से आपको समझना था, बस इसके आगे सारी चीजें सिंपल है, कुछ एग्जाम्पल्स भी लेंगे, पर एग्जाम्पल से पहले कुछ स्पेशल केसेस हम समझते हैं, स्पेशल केसेस हमारे पास क्या होंगे भैया, तुम्हारे पास स्पेशल केसेस ये होने वाले हैं, जैसे ए प्लस बी का पावर एन तो इन जनरल लिखते ही हैं, लेकिन भैया मान लेते हैं ए को अभी, ए माइनस बी का पावर एन क्या होगा भैया, तो इन्होंने ए को एक्स मान लिया और बी को वाई मान लिया, बस और कुछ नहीं, तो माइनस का मतलब कुछ नहीं है, माइनस तो एक्चुअली आपका, इसे आप ऐसे लिख लो ना, एक्स प्लस ही लिखो, जो प्लस वाला फॉर्मूला होता है वही लिखो, बस समझ लो कि ये वाला टर्म मेरा नेगेटिव है, ठीक है, तो वाई का जब जब पावर आपका, वाई का पावर जब जब आपका ऑड होता है वहां वहां आपका नेगेटिव साइन आ जाएगा, वही किया, देखिए हर जगह इन्होंने वही किया, ब्रैकेट में माइनस ले लिया, मतलब आप समझो कि प्लस वाला ही जो ऑपरेशन लगाते थे, ए प्लस बी का ऑपरेशन वही होगा, और इस टर्म को ही आप एक नेगेटिव टर्म मान के चल लो, इस टर्म का जब जब, यहां तो पावर जीरो होता है तो यहां तो कुछ फंडा ही नहीं है, सेकेंड में आपका जो दूसरा टर्म होता है यहां पर पावर वन होता है, तो पावर वन जब भी होगा तो नेगेटिव का पावर वन, बाहर में माइनस वन आ जाएगा, फिर यहां पर स्क्वायर होता है दूसरा टर्म में, तो ये तो प्लस हो जाएगा इसलिए यहां पर प्लस है, तीसरा टर्म ले लो तो पावर थ्री होता है तो ये फिर यहां माइनस आ जाएगा, यानी कि स्टार्टिंग से अगर एक नॉर्मल पैटर्न भी याद रखना है, तो जब भी माइनस होगा ना कुछ नहीं करना है, जो आप सिंपल एक्सपेंड करते थे वैसे एक्सपेंड कर दो, और उसके बाद पहले टर्म को छोड़ के दूसरे टर्म में माइनस, फिर तीसरा टर्म छोड़ के चौथा टर्म माइनस, पांचवा टर्म छोड़ के छठा टर्म माइनस, ऐसे एंड तक चलते जाओ, डिपेंड करेगा अगर लास्ट टर्म में आपका एन का पावर इवन है, ठीक है, एन का पावर अगर इवन है तो ऑटोमेटिकली लास्ट टर्म आपका पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इवन है अगर पावर तो नेगेटिव भी तो इवन पावर में चला जाएगा तो प्लस, तो आपको लास्ट टर्म देखना ही नहीं क्या है क्या नहीं है, शुरू से बस आप माइनस प्लस करते हुए चले जाओ, एक्चुअली प्लस माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, प्लस माइनस एंड तक जहां तक जाके रुको वो आपका फंडा क्लियर। दूसरा टर्म मान लेते हैं हमें समझना है भैया, दूसरा एक कंडीशन समझना है कि अगर ए का वैल्यू वन ले लें और बी का वैल्यू एक्स ले लें, ठीक है, इन्होंने कुछ नहीं किया, हमारा क्या होता था, अभी हमने एक्स प्लस वाई लिया, पहले टर्म को हम आपका वन ले लेते और दूसरे टर्म को हम एक वेरिएबल रहने देते हैं, तो वन का यहाँ सिग्निफिकेंस यह है कि जो पहले टर्म का जो भी पावर आता था आपका, जैसे एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर पावर चलता था, तो पहले टर्म का कुछ भी पावर हो, वन है हमारा पहला टर्म, तो आपका वो टर्म काउंट ही नहीं होगा, यानी कि क्या, अब देखो पहला तो एन सी जीरो हमारा, ये आपका कोएफिशिएंट लगता है, अब इसके साथ आप देखो वन का पावर एन, ए का पावर एन होता था ना, ए का पावर एन, ए का वैल्यू वन है, तो वन का पावर एन क्या होगा, वन, जो कि कुछ भी ना लिखो मल्टीप्लीकेशन में एक ही बात है, तो यहां जितने भी फॉर्मूले में आप ए लिखते थे बस उसे इग्नोर मारो, और बाकी आपका पूरा टर्म गायब नहीं करना, मतलब कि टर्म रहेगा
लेकिन टर्म आपका वन है ना, टर्म जीरो थोड़ी है जो पूरा टर्म खा जाएगा, इंटू जीरो होता तब ये पूरा टर्म चला जाता, लेकिन हमारा टर्म वन है, ठीक है, हमारा टर्म वन है, यानी कि वो टर्म रहेगा लेकिन उसमें ए नहीं दिखेगा। बस पूरे फॉर्मूले में से आप ए को गायब कर दो, आपका फॉर्मूला बनकर आ गया। ये अगर आपने समझ लिया तो आगे आने वाले क्वेश्चन अभी और आसान होने वाले हैं। अभी हमने क्या किया था, वन प्लस एक्स किया था, ठीक है, जिसके वजह से पहला टर्म गायब ही हो गया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, दूसरे टर्म को भी वन कर देंगे। अब क्या होगा, पहला टर्म भी गायब हो जाएगा, दूसरा टर्म भी गायब हो जाएगा, ना ए दिखेगा कहीं ना बी दिखेगा। तो अब बी भी नहीं दिख रहा है, जैसे इसमें कम से कम बी, बी की जगह एक्स लेते, एक्स दिख तो रहा था कहीं, अब ये भी नहीं दिखेगा। अब दोनों वन हो गए तो सिर्फ अब आपका कोएफिशिएंट बच जाएगा। ये जो टर्म लिखते थे ना आप, एन सी आर, ए का पावर एन माइनस आर, फिर उसके बाद आपका बी का पावर आर, इस केस में हमने क्या किया, इस पूरे टर्म को वन कर दिया, क्योंकि ए का पावर वन था, चाहे पावर में कुछ भी लगा लो टर्म दिखेगा ही नहीं आपका। फिर दूसरे में क्या किया कि ये टर्म तो हमने गायब कर ही दिया था, इस टर्म को भी गायब कर दिया, तो ये दोनों टर्म छुपा दिए, क्योंकि दोनों वन हो गया, सिर्फ आपका ये वैल्यू दिखेगा हर टर्म में, ठीक है। तीसरा आप बात कर लेते हैं, तीसरा हमारे पास टेकिंग ए इक्वल्स टू वन और बी इक्वल्स टू माइनस एक्स, ए प्लस बी आप लेते थे ना, तो हम ए को वन और बी को माइनस एक्स लेते हैं, तो कुछ नहीं, वन प्लस एक्स वाला फंडा याद है, और आपको ये एक्स माइनस वाई वाला फंडा याद है, तो वन प्लस एक्स में आपका जो टर्म आया था कि नॉर्मल है, बस आपका ए वाला टर्म हर जगह गायब हो गया, बस एक्स रह गया, उसके साथ इस माइनस वाले साइन को मिक्स कर दो। माइनस का फंडा क्या था, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, बस पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, देखो पहले एनसी जीरो, एनसी जीरो, फिर आपका एनसी, एनसी जीरो, एनसी वन एक्स, एनसी वन एक्स, एनसी टू एक्स स्क्वायर, एनसी टू एक्स स्क्वायर, बस ये साइन पॉजिटिव नेगेटिव के टर्म्स में चलता गया है। और अगर मान लेते भैया वन माइनस एक्स हो गया, अब अगर एक्स को भी वन मान लू, यानी कि वन माइनस वन मान लू, तो भैया ये तो जीरो हो जाएगा, इक्वल्स टू जीरो, वन माइनस वन का पावर अब कुछ भी कर लो ये जीरो हो जाएगा, तो इस टर्म, इस साइड को मेरा जीरो बन गया, ठीक है। इस साइड भैया क्या बनेगा मेरा, तो इस साइड बनेगा आपका जो नॉर्मल था, जैसे मैंने बोला था, जैसे ही आप वन के जगह एक्स और एक्स के जगह भी वन अगर कर दोगे, तो जो एक्स का टर्म यहाँ दिख रहा था वो भी गायब हो जाएगा, सिर्फ कोएफिशिएंट रह जाएगा। सेम वही है, जो इसमें एक्स का टर्म दिख रहा था वो भी गायब हो जाएगा, सिर्फ कोएफिशिएंट रहेगा, और नेगेटिव साइन वाला फंडा आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब यहां दो चीजें समझाना चाहूंगा, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने आई हैं। पहला क्या भैया, इसमें हमने क्या किया था, वन प्लस वन का पावर एन, जो कि एक्चुअली टू का पावर एन होता है, और ये कोएफिशिएंट में क्या बचा भैया, एन सी जीरो से लेके प्लस प्लस करते हुए एन सी एन तक, तो कोई भी वैल्यू, अगर एन का वैल्यू कुछ भी दिया गया है, मान लेते सेवन दिया गया है, तो एन सी जीरो से लेके एन सी वन डॉट 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 एन सी सेवन तक जो भी वैल्यू होगा आपका, और एन क्या हमारे पास सेवन ही तो है, ठीक है, ये वैल्यू आपका टू का पावर सेवन हो जाएगा, यानी टू का पावर जो भी आपको पता करना हो वो आप इस कॉम्बिनेशन के टर्म्स में लिख सकते हो। टू का पावर सेवन को कैसे लिखेंगे, सेवन सी जीरो, सेवन सी वन से लेके सेवन सी सेवन तक। टू का पावर 32 कैसे लिखेंगे भैया, 32 सी जीरो, 32 सी वन डॉट 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 32 सी 32। बस इस तरीके से आप टू के पावर्स में किसी भी चीज को लिख सकते हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, बहुत यूज होता है। सेम आप ये देख लो कि सेम यही चीज आप लिख रहे हो, लेकिन साइन एक प्लस होगा, एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, तो लास्ट तक चाहे जो भी हो, फाइनल आंसर आपका जीरो होगा। मतलब यही चीज मुझे लिखना है, बस एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, फाइनल आंसर जीरो होगा, और सारे प्लस है तो टू का पावर एन होगा। अब चलिए क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो मुझे करना है एक्सपैंड एक्स स्क्वायर प्लस थ्री बाई एक्स का पावर फोर, ठीक है। तो इसमें क्या है मेरे पास, पहला टर्म होगा आपका, देखो फोर सी जीरो, मैंने क्या बोला था, बस ये फॉर्मूला आप याद रखो, एन सी आर, ए का पावर एन माइनस आर और बी का पावर आर, एन का वैल्यू हमारे पास क्या है, फोर, और आर का पहले वैल्यू क्या रखेंगे, जीरो। तो सबसे पहला फोर सी जीरो एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास ए है, ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और बी इज इक्वल टू थ्री बाई एक्स, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का पावर आपका एन, और एन माइनस आर क्या है, अभी आर हमारा जीरो है, तो फोर माइनस जीरो इक्वल्स टू फोर, यहां पर फोर, ए का पावर फोर, ए क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का पावर फोर। सिमिलरली आपका यहां पर आपका बी,
बी क्या है, 3/x, और 3/x का पावर आपका होगा r, r का वैल्यू अभी हम क्या लिए हैं, 0, तो 3/x का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, इसलिए पहले टर्म में कुछ नहीं है। और सिंपल अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो पहला टर्म लिखोगे हर जगह, एक एक पावर चालू करोगे 4 से 3, 2, 1, और आखिरी टर्म में कुछ भी नहीं, 0 कुछ भी नहीं। सिमिलरली 3/x जो हमारा बी है, 4, 3, 2, 1, 0, ठीक है, और ये 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4, बस अब सबको मल्टीप्लाई करिए, फाइनल आंसर आ जाएगा। अच्छा सी वाला फंडा एक भी बार मैंने इस चैप्टर में क्लियर नहीं किया, तो सी वाला फंडा आप देख लो, 4C2 को कैसे लिखेंगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और 4 माइनस 2 फैक्टोरियल जो कि एक्चुअली 2 फैक्टोरियल ही होगा, तो 4 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 3 × 2 × 1, 2 फैक्टोरियल को 2 × 1 × 2 × 1, ये 2 फैक्टोरियल और ये दूसरा 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 गया, 2 से ये 2 गया, 2 × 3 6, 4C2 का वैल्यू। इसी तरीके से बाकी आपके सी वाले टर्म्स निकाल सकते हो। कंप्यूट 98 का पावर 5, तो 98 का पावर 5 तो निकालना मुश्किल है, लेकिन 98 को हम ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस 2 का पावर 5, क्योंकि बाइनोमियल का चैप्टर है तो दो टर्म्स में हमने ब्रेक करने की कोशिश की है, बस ए माइनस बी का फंडा लगा दो, 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5, 100 का पावर 5, 100 का पावर 4, 100 का पावर 3, 100 का पावर 2, 1, 0, फिर इसके बाद आपका 2 का पावर 5, 4, 3, 2, 1, 0, पहला साइन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, क्योंकि बीच में माइनस है, सबको इवेल्युएट करो, फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इसमें विच इज लार्जर, 1.01 का पावर आपका कितना है दोस्त, 10 लाख और 10,000, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? तो भैया बाइनोमियल का चैप्टर है तो बाइनोमियल में इसे मुझे ब्रेक करना दिख रहा है, 1 + 0.01, जो मुझे ज्यादा आसान लग रहा है ब्रेक करना, और कोई तरीका बताओ जो इससे भी आसान हो ब्रेक करना, 1, 2, 3, 6, ठीक है, इसे आप कैसे लिखोगे? सबसे पहला टर्म आपका 1 का पावर, चाहे कुछ भी लिख लो, इस टर्म को तो इग्नोर ही करना है, इस टर्म को आप इग्नोर करते हुए चलो, कहीं पे भी नहीं आएगा, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी रख लो कुछ मतलब नहीं है। पहला टर्म आपका क्या होगा, NC0, तो NC0 हमारा क्या होता है, मान लेते हैं NC0 का फंडा अगर समझना ना, तो n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 फैक्टोरियल, तो क्या हो गया, n फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल मैंने बताया था 1, रीजन आप पिछले वाले वीडियो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में देख सकते हो, इनटू n फैक्टोरियल कट गया, तो कोई भी आपका 1000 सीट इतना 100, 10 लाख C0 का वैल्यू 1 ही रहने वाला है। दूसरा टर्म आप देख लो, ये वैल्यू होगा, अब ये हमारे पास क्या है, कोई भी एन फैक्टोरियल अपॉन एन सी वन का वैल्यू क्या होता है, सिंपल अगर समझना तो एन फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, एन माइनस 1 फैक्टोरियल, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल, ये कटा ये कटा, फाइनल बचा एन, तो यहां पर इसका वैल्यू होगा आपका एन, जो कि आपका 10 लाख इंटू 0.01, जो कि हम करते हुए आते, तो क्या होता है बी, जो बी हमारा है इसमें तो बी का पावर 0 होता है, लेकिन यहाँ बी का पावर 1 होता है, तो इंटू 0.01 करेंगे तो आपका एक्चुअली ये 10,000 आ जा रहा है, और शुरू का टर्म 1 था ही, और आखिरी में भी कुछ ना कुछ तो नेक्स्ट टर्म आते ही रहेंगे, तो देखो अकेले ये टर्म ही आपका 10,000 हो जा रहा है, जो कि हमें कंपेयर करना था, तो ये टर्म तो आपको ऑलरेडी सिर्फ ये टर्म बना दिया 10,000, बाकी इनसे इन सब की वजह से आपका 10,000 से बड़ा ही होगा, इसलिए फाइनली ये टर्म आपका 10,000 से बड़ा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखें, तो बोला जा रहा है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट 6n माइनस 5n ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 25, यानी कि बोला जा रहा है कि 6n माइनस 5n को जब भी हम डिवाइड करेंगे किससे, आपके 25 से, तो आपका रिमाइंडर 1 बचेगा, तो इसे मैं कैसे लिखूंगा, मान लेते हैं मेरे पास कोई भी एक नंबर ए है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं कि बी सी प्लस डी, इसका मतलब क्या हुआ भैया, मेरा ये टर्म है ए, बी सी प्लस डी मेरा ए है, अब जब भी मैं बी सी प्लस डी को यानी कि ए को अगर बी से डिवाइड करूंगा, ए को अगर बी से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास, यहां से कट के सी बचेगा प्लस डी बाई बी, यानी कि ये वो टर्म है जो कट नहीं पाया, यानी कि डी मेरे पास रिमाइंडर है, तो यानी कि मुझे क्या चाहिए कि मेरे पास टर्म दिया गया है 6n माइनस 5n, ठीक है, इसे मुझे डिवाइड करना है 25 से, तो मेरे पास रिमाइंडर आपका 1 बचना चाहिए, रिमाइंडर क्या है डी, डी मेरे पास रिमाइंडर है जो कि वैल्यू 1 दिया गया है, और बी मेरे पास क्या है 25 है, और सी कुछ एक वैल्यू होगा मान लेते हैं, तो बी के जगह मैं लिखूंगा आपका 25,
सी प्लस डी के जगह वन, यानी कि अगर मैंने ये फॉर्मेट क्रिएट कर लिया अगर मैंने 6n-5n को इस फॉर्मेट में लिख दिया अगर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि फाइनली रिमाइंडर वन बच रहा है, यानी कि 25 का कुछ मल्टीपल जो कि फाइनली 25 से कट जाएगा और एक वन अलग से रिमाइंडर बचना चाहिए। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, तो आप समझने की कोशिश करना। 6 25, 25 हमारा कहीं ना कहीं 5 का पावर जैसा कुछ दिख रहा है, कुछ ना कुछ पावर है। और 6 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 5+1 लिख सकते हैं, ठीक है। वन आपका इग्नोरेबल टर्म होता है आपके पावर्स वगैरह, जब हमने देखा मल्टीप्लाई करने में। इसे मैं ऐसे आपका ब्रेक कर रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं 25 मुझे 5 का पावर जैसा कुछ दिख रहा है, हर जगह कहीं ना कहीं मुझे 5 दिख रहा है। तो इसलिए मैं सोचा कि 6 का पावर कहीं है, और पावर जहां भी मुझे इस चैप्टर में दिख रहा है, पावर जिसका भी है, उसे दो टर्म्स में ब्रेक करना है। तो दो टर्म्स में ब्रेक करना हो तो मैं 3 2 करूं, एक आपका दो सॉरी 6 है ना, 3 3 करूं, 2 4 करूं, कुछ मतलब नहीं बन रहा है। पर 1 5 अगर कर दूं तो मतलब दिख रहा है, 5 कहीं ना कहीं मेरा क्रिएट हो रहा है। इसलिए 5 और 1 के टर्म्स में 6 का पावर n को 5+1 का पावर n में लिख सकता हूं, ठीक है। तो अब आप देखने की कोशिश करो, इन्होंने वही किया, 6 का पावर n को 1+5 का पावर n लिखा है, और टर्म आपका क्या होगा, 1 1 इग्नोरेबल टर्म है, NC0, NC1, NC2, n का वैल्यू नहीं दिया गया इसलिए NN अभी लिख रहे हैं, NC3 और NCN तक वैल्यू जाएगा। यहां फर्स्ट टर्म तो आपका इग्नोरेबल होगा क्योंकि 1 है, 1 का पावर कुछ भी कर दो इग्नोर। फाइनली 5 का पावर n इधर से चालू करेंगे, 5 का पावर n प्लस प्लस प्लस, इधर आते आते आपका 5 का पावर 2, 5 का पावर 1, 5 का पावर 0। चलिए ये तो हमने लिख लिया, तो फाइनली आपका 6 का पावर n वापस से फॉर्म में लिख देते हैं, हमें बस ये वाला टर्म चाहिए था, ठीक है। अब ये टर्म का मतलब क्या है भैया, तो आप देखो NC0 का वैल्यू मैंने बताया था हमेशा 1 होता है, NC1 का वैल्यू आपका, ये तो आपका n हो जाएगा, NC1 का वैल्यू मैंने बताया था n इंटू 5, तो 1+5n, 5n को इधर लेके जाओ तो बचेगा 6n-5n, ठीक है। ये तो मैंने वैल्यू निकाल लिया। अब दूसरे साइड मतलब इस साइड जब मैं 5n को इधर लेकर गया तो ये फॉर्मेट मेरा LHS में बन गया। अब इधर मुझे 25C+1 वाला फॉर्मेट चाहिए, तो आप देखो 1 तो मेरा रिमाइंडर दिख रहा है, अब बाकी मतलब इतने टर्म्स को मिला के कहीं ना कहीं 25C निकालना है, ठीक है। तो आप देखो 6n-5n आ गया, 1 मैंने लिख लिया। अब हर किसी टर्म से 5² मैं निकाल सकता हूं, इससे 5² निकालूंगा तो सिर्फ NC2 बचेगा, इससे 5² निकालूंगा तो 5NC3 बचेगा, और इससे 5² निकालूंगा तो क्या मेरे पास बचेगा, 5n-2, यानी कि एक कॉन्स्टेंट टर्म हो गया और इन सभी से बचा है 5² और 5² क्या होता है 25, यानी कि 25, और ये टर्म हो गया आपका सी, 25C+1, ये फॉर्मेट में आपका आ गया, ठीक है। 25C, इन्होंने सी को के ले लिया था, प्लस 1, यानी कि ये फॉर्मेट, ये वाला पार्ट तो आपका पूरा पूरा 25 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये टर्म 1 रिमाइंडर हो जाएगा जो हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट हमारा जनरल और मिडिल टर्म। तो जनरल टर्म का कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया, TR+1=NCR आपका a का पावर n-r, b का पावर r, ये जनरल टर्म तो मैंने आपको बता दिया था, बहुत सारे हमने क्वेश्चंस भी इसमें सॉल्व कर लिए। तो जब भी बोला जाता है R+1th टर्म, मतलब R+1th टर्म चाहिए, जैसे थर्ड टर्म मुझे चाहिए, तीसरा टर्म चाहिए, तो मैं इसे T(3) को T(R+1) लिखता हूं, जो भी टर्म चाहिए मतलब कि उसका R+1th टर्म चाहिए। अभी वापस से थोड़ी देर में रिकॉल करवा देता हूं क्यों। 3=R+1 का मतलब क्या है, 3=R+1, R=2, यानी जहां R का वैल्यू 2 हो। तो मैंने बताया था आपका चालू होता है R का वैल्यू 0 से, पहला टर्म आपका R का वैल्यू 0, दूसरा टर्म पे आपका R का वैल्यू 1, तीसरे टर्म पे R का वैल्यू 2। तो जो भी टर्म है वो R से 1 ज्यादा होता है, इसलिए जो भी टर्म होता है उसमें R+1 करते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब भी R+1 एक टर्म बोलेगा तो यह फॉर्मूला में हम R ही यूज करेंगे। तो TR+1=NCR a n-r b का पावर r। अब मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट समझते हैं। आप मुझे बताओ कि जब मैंने देखा कि a+b का पावर 2 था, तो यह हमारे पास 3 टर्म्स बनते हैं, a² + 2ab + b², तो 3 टर्म्स बनते हैं, यानी कि जो पावर होगा, जो n का वैल्यू होगा, उससे एक टर्म ज्यादा होगा। तो n का वैल्यू अगर मेरे पास इवन है, एन का वैल्यू अगर मेरे पास इवन है तो मेरे पास एक ज्यादा उससे ऑड होगा। अगर एन का वैल्यू इवन है तो जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो ऑड होंगे, ठीक है।
नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास ऑड होंगे, ठीक है ये तो मैंने समझ लिया भैया। अच्छा एन का वैल्यू अगर 2 दिया गया है तो नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास 3 बने, बीच वाला टर्म कौन सा होगा मेरे पास, फर्स्ट सेकेंड टर्म, ठीक है। और सेकेंड टर्म कौन सा है भैया मेरे पास, वो एक्चुअली आपका होता है जैसे एन है यहां पे, एन का वैल्यू 3, एन का वैल्यू 2 है, एन बाई 2+1 ये इवन है तो जस्ट आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, प्लस 1 एक ज्यादा, जैसे 2 था ना हमारे पास 2/2 1+1, वही सोच लो कि मानते हैं एन का वैल्यू 4 होता, एन का वैल्यू अगर 4 होता तो हमारे पास पोजिशंस कितने बनते, 1 2 3 4 5, ठीक है एक ज्यादा टर्म्स होते हैं, 1 2 ये तीसरा टर्म मुझे चाहिए, एन बाई 2+1 क्या हमें सेटिस्फाई कर रहा है, 4+2+1=2+1 3। तो बस जब भी एन का वैल्यू इवन हो तो मिडिल टर्म हमें मिलेगा एन बाई 2+1 से। और सिमिलर ऐसे ही फंडा लगाते हुए जब भी आपका ऑड हो, एन का वैल्यू जब ऑड हो तब आपके 2 टर्म्स होंगे क्योंकि एन का वैल्यू ऑड, फॉर एग्जाम्पल करिए 5 है तो आपके टोटल कितने स्पेसेस बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो या तो मिडिल टर्म आपके 2 है ना, 5 और 6, किसे आप लोगे, अगर सिर्फ इसको लेते हो तो इधर आपका 2 बच गया, इधर 3 बच गया, इधर इसे लेते हो तो इधर 3 इधर 2, इसीलिए दोनों टर्म्स हम लेते हैं, ठीक है। तो ये टर्म मेरे पास क्या होता है आपका, एन का वैल्यू ऑड है तो इसे इवन बनाने के लिए एन प्लस 1 लिखेंगे बाई 2, तो एन मान लेते ये मेरा 1 2 3 4 5 6, मुझे थर्ड टर्म चाहिए ना, एन प्लस 1/2 क्या होता है, 5+1/2=3 आ गया, तो एक टर्म एन प्लस 1/2 होगा और एक टर्म एन प्लस 1/2+1 उसका अगला टर्म, तो ये दोनों टर्म्स मुझे निकालने होते हैं, ठीक है। जब इवन होगा तो ये टर्म निकालना है एन बाई 2+1, और जब ऑड होगा मेरा एन का वैल्यू तब मुझे एन प्लस 1/2 और एन प्लस 1/2+1 निकालना है, इसमें एन बाई 2 अलग होगा प्लस 1 अलग होगा, इसमें एन प्लस 1/2 एक टर्म होता है ऊपर लगा ही रहता 1, एक में कोई और प्लस 1 नहीं होगा, इसमें एक और प्लस 1 होगा उसका जस्ट एक अगला टर्म। तो जैसे इस एग्जाम्पल में अगर बात कर ले 2x-y का पावर 7, मिडिल टर्म कौन सा होगा, तो ये आपका ऑड है तो ऑड वाला फंडा लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि 8 नंबर्स बनेंगे तो मुझे फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन चाहिए होंगे, यानी कि एन प्लस 1/2 जो कि आपका 7+1 8/2 4, और उसका 1+1 और कर देंगे तो 5, ये दोनों वैल्यू चाहिए फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म। टू एन सी एन एक्स का पावर एन, देखते हैं ये हमें क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, इन द एक्सपेंशन ऑफ x+1/x2n। अब 2n का मतलब क्या, ऑटोमेटिकली आपका इवन होगा, ठीक है, तो जब भी इसमें टर्म्स बोलेगा 2 लगा हुआ है ना तो इवन ही आएगा हमेशा, तो अब सीधा n बाई 2+1 वाला टर्म यूज करोगे, वेर x आपका 0 नहीं है, मतलब x का लिटरल वैल्यू है, मिडिल टर्म आपका 2n+1+1/2, यानी कि एक्चुअली आपका 2n, जो n का वैल्यू 2n है यहाँ पे प्लस 1, यानी कि n+1 टर्म हमारे पास होगा एज 2n इज इवन, जो मैंने पहले ही बता दिया, इट इज गिवन बाई 2nCn। अरे यार कुछ भी नहीं, देखो इन्होंने कुछ नहीं किया है, इन्होंने क्या बोला है, इनका मिडिल टर्म मुझे ये वाला टर्म निकालना है ना, मिडिल टर्म n+1 वाला वैल्यू निकालना है मुझे, टर्म निकालना है n+1 वाला, जनरल टर्म निकालना है मुझे, मतलब मिडिल टर्म को हम जनरल टर्म के तौर पर लिख रहे हैं, तो n+1 मुझे निकालना है, ठीक है। इसे हम कैसे लिखते हैं, एन सी आर एन माइनस आर और v का पावर आर, यहां पर n क्या दिया गया था आपको, यहां पर n दिया गया आपको 2n, एक्चुअली यहां पर n का वैल्यू 2n है, समझने की कोशिश करो, यानी इन जनरल जो एन लिखते हैं उसके जगह में 2n लिखना है, ठीक है। और आर मैंने बोला था यहां जो भी वैल्यू दिया गया हो उससे एक कम लेते हैं, एन सी एन लिखोगे, ए का वैल्यू क्या है हमारे पास, ए का वैल्यू यहां पर आपका एक्स, और एन माइनस आर, ठीक है एन हमारे पास क्या है यहां पे, एन है हमारे पास 2n और आर क्या है हमारे पास एन, ठीक है, यानी कि 2n-n, और बी क्या हमारे पास 1/x, देखो बी हमारे पास 1/x है, पावर क्या लिखना है आर, आर क्या होता है इससे एक कम, जो कि एक्चुअली हमारे पास यहां पर एन है, ठीक है,
आर हमारे पास यहां एन, तो क्या होगा फाइनली, टू एन सी एन, और एक्स टू एन माइनस एन हो जाएगा एक्स एन, और वन बाई एक्स का पावर एन, ये टर्म कट गया, फाइनली आपका टू एन सी एन बच गया। बस इन्होंने ये लिखा, यानी कि जब भी कोई इवेंट टर्म होगा यहां पर आपका, ठीक है, और एक्स प्लस वन बाई एक्स, यानी कि जो टर्म यहां दिया गया है उसी का आपका रिवर्स रेसिप्रोकल दिया गया है, दो टर्म्स का समेशन, और पावर में आपका कोई इवेंट टर्म दिया गया है, तो फाइनल जो वैल्यू होगा आपका इधर कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपका एक कॉन्स्टेंट बचेगा जो कुछ नहीं होता, जो पावर दिया गया है वो, और उसका हाफ। मान लेते पावर नॉर्मल एन दिया रहता और पता है कि एन इवन है, तो फिर यहाँ एन बाई टू हो जाता, ठीक है। हमारे पास एन का वैल्यू आपका टू एन है सी, और टू एन का हाफ करेंगे तो एन, ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला है। फाइंड ए, एक एग्जांपल लेते हैं, फाइंड ए इफ 17th एंड 18th टर्म ऑफ द एक्सपेंशन 2a प्लस a का पावर 50 आर इक्वल। इन्होंने बोला है कि a मुझे पता करना है अगर 17वां और 18वां टर्म एक्सपेंशन का इक्वल है, पहले 2a प्लस 50, ये हम लिखते हैं अलग से। इसका मुझे 17वां और 18वां टर्म मुझे निकालना है, ठीक है। इसे आप कैसे लिखोगे, तो इसे सिंपल लिखने का तरीका यह है, टी ऑफ 17 मुझे चाहिए और टी ऑफ मुझे 18 चाहिए। टी ऑफ 17 को मैं क्या लिखूंगा, 16 प्लस 1, ठीक है, एन का वैल्यू 50 दिया गया है, क्या होता है हमारे पास एक जनरल टर्म का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, टी ऑफ आर प्लस 1 का फॉर्मूला क्या होता है, एन सी आर ए एन माइनस आर बी का पावर आर, एन क्या है 50, सी आर हमने क्या लिया है अभी के लिए 16, ठीक है, ए का पावर एन माइनस आर, ए हमारे पास क्या है आपका 2, ठीक है, और एन माइनस आर, एन है 50, 50 माइनस 16 आपका क्या हो जाएगा 34, ठीक है, 2 का पावर 34। और नेक्स्ट टर्म आपका बी, बी क्या है यहां पे, बी के जगह ए लिखा गया है, और ए का पावर हमें क्या करना है आर, आर का वैल्यू है 16। तो चलिए मेरा, मेरे पास 17वां टर्म तो ये हो गया, और 18वां टर्म को कैसे लिख सकते हैं, 17 प्लस 1, कैसे लिखोगे, एन सी आर, आर का वैल्यू है अभी 17, ठीक है, 2 का पावर कितना होगा एन माइनस आर, एन है आपके पास 50, माइनस करना है 17 से, तो हो जाएगा आपके पास 33, और ए का पावर आर जो कि 17 है, बोला गया ये दोनों बराबर हैं, यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूं 50c16 2 का पावर 34 a का पावर 16 इक्वल्स टू 50c17 2 का पावर 33 इंटू a का पावर 17। तो इसे आप ऐसे काट सकते हो, 17 से पूरा टर्म गया और 2 का पावर, ये पूरा 2 का पावर 33 जाएगा, यानी कि आपके पास ऐसा टर्म बचेगा इधर, ये इधर सिर्फ नॉर्मल 2 बचा है हमारे पास, इधर से हमारे पास ये बचा हुआ और इधर से नॉर्मल एक a बचा हुआ है। 50 से 16 का एक्सपेंड करो, 50 फैक्टोरियल अपॉन 16 फैक्टोरियल, ठीक है, और 50 माइनस 16 हमारे पास क्या होता है 34, 34 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 50 फैक्टोरियल अपॉन 17 फैक्टोरियल, अच्छा इधर इंटू 2 भी है, 17 फैक्टोरियल, और 50 माइनस 17 33 फैक्टोरियल इंटू ए, ये दोनों टर्म्स तो कट गए, ठीक है, तो 2 बाई 16 फैक्टोरियल 33 को हम लिख सकते हैं, 34 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं, 34 इंटू 33 फैक्टोरियल इक्वल्स टू ए बाई 17 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं, 17 इंटू 16 फैक्टोरियल, और 33 फैक्टोरियल को हम 33 फैक्टोरियल ही रहने देंगे, 33 जाएगा 16 फैक्टोरियल, 16 फैक्टोरियल 33 फैक्टोरियल, यहां से हमारे पास बचा 2 बाई 34 इक्वल्स टू ए बाई 17, यहां से 2 बचेगा, 2 2 गया, ए इक्वल्स टू 1, देखो ए इक्वल्स टू 1। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देख ले, शो दैट द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स का पावर 2n इज दिस। बोला गया है कि इसका मिडिल टर्म जो होगा वो आपका ये होगा, वेर xn इज, वेर xn एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, एन अगर पॉजिटिव है तो 2n भी पॉजिटिव होगा, बस 2 से हमें ये पता लग रहा है कि आपका फाइनल आपका इवन है, तो मिडिल टर्म का, जब भी मिडिल टर्म निकालने बोला गया ना, तो जब भी आपका वैल्यू इवन होता है, आपका पावर इवन है,
तो मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं आपका, एन बाई टू प्लस वन, और यहां पे एन का पावर, एन का वैल्यू क्या है, टू एन, टू एन ये टू टू जाएगा, एन प्लस वन, ये हमारे पास मिडिल टर्म बचेगा, यानी कि इन जनरल टर्म मुझे निकालना है टी एन प्लस वन। जनरल टर्म क्या होता है, टी आर प्लस वन, ठीक है, जनरल टर्म का फॉर्मेट होता है, और मुझे ये टर्म निकालना है टी एन प्लस वन, यानी कि मुझे आर का वैल्यू क्या है जो एन का वैल्यू होगा। अब देखो आप देखते चले जाओ, बस एन प्लस वन बचा, मुझे एन प्लस वन टर्म चाहिए, और फंडा क्या होता है आपका, एनसीआर लिखते हो ना, एनसीआर, ए का पावर एन माइनस आर, बी का पावर आर, मुझे क्या चाहिए, एन का वैल्यू दिया गया है टू एन, और आर का वैल्यू दिया गया है एन, तो टू एन एन, टू एन माइनस एन एन, बी का पावर एन, मुझे ये पता करना है, तो टू एन सी एन, ए का वैल्यू मेरे पास, ए का वैल्यू वन है और बी का वैल्यू एक्स, यानी कि वन का पावर एन, टू एन माइनस एन एन ही तो होता है, वन का पावर कुछ भी लिख दो कोई मतलब नहीं है, और बी का वैल्यू एक्स है तो एक्स का पावर एन, बस ये वाला टर्म तो नेग्लिजिबल हो गया, क्योंकि वन का पावर कुछ भी लिख लो कोई मतलब नहीं है, बचा टू एन सी एन और एक्स का पावर एन। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, टू एन सी एन को, टू एन का फैक्टोरियल अपॉन एन का फैक्टोरियल, हम लिख रहे हैं टू एन सी एन, टू एन का फैक्टोरियल अपॉन एन का फैक्टोरियल, और टू एन माइनस एन का फैक्टोरियल, जो कि हमारे यहाँ एन का फैक्टोरियल ही हो जाएगा। अब देखो मेन फंडा यहीं पर है, एक्स का पावर एन तो अलग है ही है, इसे आप साइड में रख के चलो, मेन फंडा यहाँ पर है। 2n के फैक्टोरियल को अगर एक्सपैंड करोगे तो कैसे जाएंगे, 2n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, और डॉट 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 करते करते एक एक घटाते घटाते 1 तक पहुंचोगे, और n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल तो लिखे ही, वो अलग फंडा है, x का पावर n ये अलग। देखो x का पावर n को अभी आप कॉन्स्टेंट रखकर चलो, इससे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है अभी आपका ये जो 1 2 3 4 बनाया ना, आपका 2 टर्म है ना, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इन्होंने दो दो पार्ट्स में ब्रेक करने का सोचा, एक पार्ट आपका इवन का होगा, एक पार्ट आपका ऑड का होगा, कैसे अभी आप समझो। देखो सबसे पहले वन, इसको जस्ट इन्होंने कुछ नहीं किया, नेक्स्ट स्टेप में जो रिवर्स ऑर्डर में था, वन को आगे, टू को आगे, थ्री फोर फाइव, जस्ट इन्होंने जो पीछे लिखा होता उसे आगे कर दिया और कुछ नहीं किया इस टर्म में। अब ये क्या किए कि दो ग्रुपिंग बनाएंगे, जो भी आपके ऑड ऑड हैं पहले उन्हें लिख लेंगे, वन थ्री फाइव ये सारे टर्म्स को आएंगे ही आएंगे, और आपके इवन वाले को अलग लिख लिए टू फोर सिक्स, क्यों अभी थोड़ी देर में रीजन पता चलेगा। देखो इन्होंने क्या लिख रखा है आपका, वन थ्री फाइव का अलग से इन्होंने टर्म बना रखा है, इसलिए हमने अभी नहीं, कैसे पता चला कि ऑड को अलग करना है, क्योंकि ऑड अलग से दिखा रखा गया है, तो ऑड को अलग से छांट लिए, जो बच गया आपका इवन है। इसी के साथ इन्होंने टू एन माइनस वन भी लिया, टू एन माइनस वन भी हमें चाहिए था, तो टू एन माइनस वन भी लिया इन्होंने, तो जो जो इसमें से, इस जगह से हम जो जो ले सकते थे आपका वो ले लिया। सबसे पहले वन थ्री फाइव आपका लिख रखा गया और टू एन माइनस वन, तो ये हम निकाल लिए, और इसके बाद जो जो बचता है इस पैटर्न में दिखा कि ऑड निकाल रहे, तो सभी ऑड निकाल लिए। 2n माइनस 1 भी ऑड क्यों है, क्योंकि 2n इवन है, इसलिए जितने ऑड हो सकते थे यहां तक हमने 1 से लेके जितना एंड तक हो सकता था, 2n हमारा इवन है, तो जस्ट इसका पीछे वाला ही सबसे बड़ा ऑड होगा, तो 1 से लेके 2n माइनस 1 तक जितने ऑड हो सकते थे हमने यहाँ निकाल लिए, और यहां भी वही बताया गया, 1 से लेके 2n माइनस 1 जितने ऑड हो सकते आप निकाल लो अपॉन एन फैक्टोरियल, दो एन फैक्टोरियल है, इसमें से एक और एन फैक्टोरियल आप निकालो, यानी कि ये टर्म आपका इतना तो मैच कर गया। अब बस हमें यहां बनाना है आपका 2n इंटू एक्स का पावर n, अब x का पावर n भी ऑलरेडी बना हुआ है इधर आपका, अब सिर्फ बनाना है आपको यहां पर 2n, ठीक है, इस बचे हुए टर्म बाय n फैक्टोरियल से, इस बचे हुए टर्म बाय n फैक्टोरियल से, बचा हुआ टर्म क्या था, 1 से लेके 2n तक में जितने इवन नंबर थे, तो 1 तो ऑड है, उसका अगला 2 इवन है, 4 इवन, 6 इवन, से लेके 2n तक इवन, जितने इवन थे अलग छांट लिया, जितने ऑड थे अलग छांट लिया। अब इसमें से सभी में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि इवन है, तो जैसे ही आप 2 कॉमन लोगे, ठीक है, टू आप पहले इसमें से 2 कॉमन लोगे बाहर, जैसे 2 4 6 टू एन डॉट डॉट डॉट, ठीक है, पहले इसका हम 2 लेंगे तो अंदर बचेगा हमारे पास 1, फिर इसका 2 निकालेंगे, अंदर बचेगा 2, फिर 6 का 2 निकालेंगे, अंदर बचेगा 3, इस तरीके से हम एन तक जाएंगे, इसका भी तो 2 जाएगा, तो ऐसे हमने एन टर्म्स के 2 निकाले हैं, तो 2 का पावर एन हो जाएगा, जितने टर्म्स की आपने जितने बार 2 मल्टीप्लाई करोगे उतना का पावर बस एन लगा दीजिए, तुम्हारे पास 2 का पावर एन बन गया, वही चीज है 2 का पावर एन, और 1 से लेके एन तक, या फिर एन से लेके, ऐसे लिख लो, इसे ही तो हम एन फैक्टोरियल कहते हैं, तो बस 2 का पावर एन, और ये बच गया आपका एन फैक्टोरियल,
एन फैक्टोरियल, टू का पावर एन अलग, तो एन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल कट गया, बचा टू एन एक्स एन जो कि हमें निकालने बोला गया था, और एन फैक्टोरियल ये टर्म तो हमने अलग निकाल ही लिया था, बन गया आपका, प्रूव हो गया। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जो कि हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 और 8, 7, 3 एग्जाम्पल्स और हैं, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 6 वाई का पावर 3 इन द एक्सपेंशन एक्स प्लस 2 वाई का पावर एन। कुछ नहीं बोला गया है, एक्स का पावर 6 और वाई का पावर 3 का कोएफिशिएंट, तो यानी कि एक्स का पावर 6, ठीक है। अब 6, एक्स का पावर 6 का मतलब क्या है, एक्स को हम कैसे लिखते हैं एक्सपेंशन में, एन माइनस आर, यानी एन माइनस आर का वैल्यू मुझे 6 चाहिए, एन का वैल्यू यहां पर 9 दे रखा गया है, 9 माइनस आर इक्वल्स टू 6, आर को इधर लेकर जाओ 6 को इधर लेकर आओ, तो 9 माइनस 6 इक्वल्स टू आर, R equals to 3, यानी कि R मुझे चाहिए वैल्यू n equals to 9 और R equals to 3 के लिए वैल्यू। एक्सपेंड कर लो 9 CR, इसे ऐसे लिख लो NCR x का पावर n माइनस आर और y का पावर आपका, यहां पे y की जगह हमारा 2i है, 2i का पावर R, एन का वैल्यू क्या है 9, सी का वैल्यू क्या है 3, ठीक है, एक्स का पावर एन माइनस 9 माइनस 3 6 और 3y का पावर 3, तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा कॉन्स्टेंट्स में NC3 या NC3, और एक्स का पावर 6 तो मुझे अलग लिखना है, और यहां से वाई का पावर 3 आप अलग निकालो, इसमें से 3 का पावर 3 भी एक साथ आएगा, तो ये हमारा कॉन्स्टेंट है 9C3 3 का पावर 3, आपका 9C3, ओके सॉरी ये हमारा 3 नहीं है, 2 दिया गया है, बहुत देर से स्क्रीन पे हूं, थोड़ा ब्लर हो गया। हमारे पास 3 नहीं है 2 है, जिसकी वजह से यहां जो मैंने 3 लिख दिया था, इसके जगह 2 लिखो सिर्फ आप, ठीक है, तो बाहर भी 2 का पावर 3 आएगा, NC3 2 का पावर 3 फाइनल वैल्यू होगा, तो n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, n माइनस 3 6 फैक्टोरियल, 2 का पावर 3, बस फाइनल वैल्यू आ चुका है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, द सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन आर 240 720 और 1080, फाइंड एक्स ए और एन। आप देखो हम क्या लिखते हैं, एनसीआर, एनसीआर आपका एक्स का पावर एन माइनस आर, और बी मेरे पास क्या है ए है अपॉन आर। फर्स्ट टर्म के लिए आर का वैल्यू 0 होगा, दूसरे के लिए 1 होगा, तीसरे के लिए 2 होगा, तो सबसे पहले मेरे पास क्या होगा आपका, सबसे पहला टर्म होगा एन सी 0, अच्छा सेकेंड थर्ड फोर्थ बोला गया है, सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो पहला टर्म तो 0 1 2 3 ऐसे चलते रहता है, तो सेकेंड टर्म ये है ये है ये, यानी कि R 1 2 3 के लिए मुझे निकालना है, तो पहला क्या होगा एन सी 1 एक्स एन माइनस 1 और ए का पावर 1, इसी तरीके से बाकी सारे टर्म्स भी लिखे गए और ये सारे टर्म्स भी नोट डाउन किए गए, पहले इन दोनों को डिवाइड किया, फाइनल एक वैल्यू आएगा, यहां से आपका एन माइनस 1 फैक्टोरियल एन माइनस 2 फैक्टोरियल को आप कैसे लिखोगे, एन माइनस 1 एन माइनस 2 का फैक्टोरियल, ये जाएगा बचेगा एन माइनस 1 ए अपॉन एक्स इक्वल्स टू 6, तो यहां से आपके 3 टर्म्स आएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद आप एक बार इन दोनों को डिवाइड करोगे, फिर एक बार आप, आपका ये एक टर्म ये आ गया, एक टर्म आपका ये आ गया, इन दोनों को डिवाइड करो, 4 और 5 को यूज करो, यहां पर ए है ए, ए ए कट जाएगा आपका, एक्स एक्स कट जाएगा, फाइनल आपके पास बचेगा 6n-1 = 9 2n-2, यहां से एन का वैल्यू आ जाएगा आपका, इक्वेट करोगे तो फिर एन का वैल्यू आ जाएगा, उसके बाद वापस से इन दोनों में डालोगे तो फिर आपका 2 इक्वेशन आएगा, दोनों इक्वेशन को, एक इक्वेशन आपके पास ये आ जाएगा और एक इक्वेशन ये आ जाएगा, देन आप यहां से लिख सकते हो a = 3x/2, फिर इस a में आप पुट करोगे 5x का पावर 4, a की जगह आप डालोगे 3x/2 = 240, ठीक है, इस तरीके से x का पावर 4 कुछ कटते छटते x का फिर √5 लोगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगा। आपका लास्ट एग्जांपल है, तो कोएफिशिएंट्स ऑफ 3 consecutive terms इन द एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ 3 consecutive terms, ठीक है, कंजिक्यूटिव टर्म्स मतलब क्या होता है भैया, मान लेता हूं एक टर्म मेरे पास आर है, आर एथ टर्म निकालना है, दूसरा टर्म आर प्लस 1,
और एक टर्म इसके पीछे का आर माइनस वन, या फिर आप आर आर प्लस वन आर प्लस टू जो चाहे वो ले सकते हो, पर एक तरीके से हम ये भी ले सकते हैं। तो इसे मैं अभी इसलिए ले रहा हूं क्योंकि पूरा मुझे सॉल्व नहीं करने का मन है, मैं यहां से सॉल्यूशन दिखा दूंगा। तो इसमें इन्होंने आर माइनस वन आर आर प्लस वन लिया है, तो उससे आप तुरंत तुरंत समझ जाओगे, वरना चाहो तो आप ये भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो इनका एक टर्म आर माइनस वन है, आर है, आर प्लस वन है, इन्होंने फर्स्ट सेकंड वन टू फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म नहीं बोला, कोई भी तीन टर्म बोला है, यानी कि ऐसा ऐसा टर्म चल रहा, कोई भी बीच का लगातार तीन टर्म। तो एक को आर मानते, एक को आर प्लस वन और एक को आर माइनस वन, ये तीन टर्म्स मुझे पता करने हैं। बोला गया ये तीनों टर्म्स इनका 1:7:42 का रेशियो में है, तो बस आर माइनस वन टर्म का हम लिखेंगे। जैसे टी आर प्लस वन आपको हम कैसे लिखते हैं, एन सी एन सी आपका आर ए का पावर एन माइनस आर बी का पावर आर। तो टी आर माइनस वन को हम कैसे लिखेंगे, एक्चुअली आर माइनस वन टर्म मुझे फाइंड करना है ना, तो इसमें अब देखो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, आपका इसे मुझे एक ब्रैकेट में रखना है, तो इसे मैं ऐसे कर सकता हूं प्लस वन, इस फॉर्मेट में अगर मुझे लेकर आना है तभी तो वापस से आपका आर माइनस वन एच टर्म बनेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, आर माइनस टू प्लस वन, आर प्लस वन इस फॉर्मेट में मुझे लिखना था। तो पहला टर्म जो आपका है उसमें हम आर के जगह आर माइनस टू यूज करेंगे, मैंने बोला था ना कि जो भी टर्म मुझे पता करना होता है उससे एक वैल्यू कम लेते हैं आर का। जैसे आर आपका जीरो से चालू होता है, जीरो वन टू, लेकिन पोजीशन आपका वन टू थ्री से चालू होगा, तो अगर मुझे सेकंड पोजीशन थर्ड पोजीशन चाहिए तो मैं आर का वैल्यू टू लूंगा, जो पोजीशन चाहिए उससे एक वैल्यू कम। तो अगर आर माइनस वन पोजीशन के लिए फाइंड कर रहा हूं तो इसे यहां पर जो आर का वैल्यू लूंगा वो आर माइनस टू होगा। तो इन्होंने देखिए क्या लिखा है, एन सी आर माइनस टू अपॉन एन सी आर माइनस वन। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला है कि सपोज थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स इन द एक्सपेंशन आर इतना, इन्होंने बोला कोएफिशिएंट्स का रेशियो है, इसलिए इन्होंने जो हमारा तीन टर्म होता है एक्सपेंशन में, आपका पहला कोएफिशिएंट होता है और दूसरा ए और तीसरा बी, इन तीनों को इग्नोर मारा है, सिर्फ कोएफिशिएंट का रेशियो इन्होंने बोला है। हाँ, हालांकि अगर ए के साथ यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाइड होता वो भी कोएफिशिएंट का पार्ट होता, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं है, इसलिए सिर्फ डायरेक्टली जो हमारे पास यहाँ पर सी का टर्म होता है उसी को ले रहे हैं। तो पहला टर्म आपका एन सी आर माइनस टू हो जाएगा, क्योंकि आर माइनस वन के लिए फाइंड कर रहे हैं, एक और कम आर सी माइनस टू, दूसरा एन सी आर माइनस वन हो जाएगा और तीसरा एन सी आर हो जाएगा। तो इनका रेशियो क्या दिया गया, 1:7:42, 1:7:42, यानी कि इन दोनों का रेशियो आपका 1:7 हो जाएगा। बस इक्वेट किया इन्होंने, फैक्टोरियल वाला मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया। जैसे एन सी आर माइनस टू, एक को मैं करके दिखा देता हूं कैसे लिखेंगे, एन सी आर माइनस टू को लिखेंगे एन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस टू फैक्टोरियल। ठीक है, और एन माइनस आर माइनस टू, तो यहां पे माइनस कट के प्लस टू हो जाएगा। ठीक है, अपॉन इन्होंने क्या किया, एन सी आर माइनस वन अपॉन एन फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। ठीक है, इसे आप कैसे लिख सकते हो, ये दोनों टर्म कटेगा, इसे मैं लिख सकता हूं आर माइनस वन आर माइनस टू फैक्टोरियल इस टर्म को, और इस टर्म को मैं लिखूंगा एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल अपॉन आपका ये टर्म हो जाएगा आर माइनस टू फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस टू एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। ये टर्म जाएगा, ये टर्म जाएगा आर माइनस टू फैक्टोरियल आर माइनस टू फैक्टोरियल, बचेगा आर माइनस वन अपॉन एन माइनस आर प्लस टू। ठीक है, इक्वल्स टू 1/7, हमने पता कर रखा था, सेवन को इधर भेजो, सेवन आर माइनस वन इक्वल्स टू एन माइनस आर प्लस टू, एन को इधर भेजो, अच्छा एन को इधर ही रखते, आर को इधर भेजो, एट आर इक्वल्स टू एन प्लस थ्री, एन प्लस थ्री इक्वल्स टू एट आर। इसी तरीके से आपका जब सेकेंड और थर्ड टर्म का रेशियो लोगे तो आपका एक और इक्वेशन बनेगा। तो दो वेरिएबल से हमारे पास दो इक्वेशन आता है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, एन माइनस एट आर इक्वल्स टू थ्री। सिमिलरली आपका एक और बनेगा, कुछ कुछ दो वेरिएबल्स की इक्वेशन बन जाएंगे, दो इक्वेशन फाइनली इक्वेट कर लो, फाइनल आंसर आ गया।
देखो इसका भी आपका आया है एन माइनस सेवन आर प्लस वन इक्वल टू जीरो, बस दोनों को इक्वेट करो, इनका वैल्यू 55 आ जाएगा। दैट्स इट, आज के इस चैप्टर में इतना ही। सभी हमने एग्जाम्पल्स डिस्कस किए, टाइम थोड़ा ज्यादा लगा क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी लेंदी थे, एक्चुअली लेंदी क्वेश्चंस नहीं थे, समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, नया नया कॉन्सेप्ट सीख रहे थे। शुरू में मुझे बोलना पड़ा कि थोड़ा आसान है, ताकि अगर शुरू में पहले ही बोल देता टफ तो फिर कहीं ना कहीं चैप्टर से भाग जाते। अब थोड़ा बहुत फंडा क्लियर हो गया होगा, अब एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आप सॉल्व करो, बहुत सारे और फंडे क्लियर होंगे। फिलहाल आज की इस क्लास, आज के इस सेशन में इतना ही। अब मुझे आज्ञा दीजिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।